प्रथम तहलका न्यूज और पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिला मुक्तसर साहिब के काबरवाला की रहने वाली कमलप्रीत कौर जो है, आज उसका डिस्कस थ्रो में फाइनल मुकाबला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दरअसल टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर का फाइनल मुकाबला है और डिस्कस थ्रो के इतिहास में भारतीय महिला ने पहली बार क्वालिफाई किया है। आपको बता दें कि परिवार बड़ी बेसब्री से बेटी के मैच का इंतजार कर रहा है, तो वहीं टीवी के सामने बैठकर पूरा परिवार मैच का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि परिवार वालों को कमलप्रीत की जीत की पक्की उम्मीद है। आपको बता दें कि डिस्कस थ्रो में पहली बार फाइनल तक पहुंची है कमलप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो जिला मुक्तसर साहिब से आ रही है। आपको बता दें कि डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर का आज फाइनल मुकाबला होना है और पूरा परिवार जो है वो बेटी के मैच का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि जिला मुक्तसर साहिब के कबरवाला की रहने वाली है कमलप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब से आ रही है, जहां कमलप्रीत कौर का जो परिवार है वो बड़ी बेसब्री से कमलप्रीत कौर के मैच का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि टीवी के सामने बैठकर पूरा परिवार जो है वो बेटी के मैच का इंतजार कर रहा है और इसके साथ ही परिवार वालों को कमलप्रीत की जीत की पक्की उम्मीद है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब से आ रही है। बहुत ही ज़्यादा गुड फीलिंग हो रही जी, परिवार भी साडा बहुत सारा, साडा नगरी सारा बहुत खुश है जी। बड़ियां उम्मीदां ने बेटी ते, जिवें अज पहला साढ़े सुबह साड़ी भारत की हाकी टीम ने अज विनर हुई है, जिवें सारा देश ने बहुत ही ज़्यादा खुशी जाहिर की है। इस तरह साडा सारा देश अज उत्थे भी निगाह टिकाई बैठा कमलप्रीत दी अज परफॉर्मेंस से। इस करके सानू बड़ी उम्मीद है कि साड़ी बेटी देश दीआं उम्मीदां ते खरी उतरेगी ते सारा देश जिहड़ा साडीआं झोली दे विच खुशियां पाएगा। इस करके असीं होप उम्मीद करदे हां कि साड़ी बेटी फस्ट पोजिशन हासिल करेगी ते देश दा ते साडे देश दा झंडा जिहड़ा उच्चा करे। ते पहला भी सवेरे डिस्कशन होई सी, असीं तां जे सोचिए भी गुरु नानक दी उह सोच ते पहरा दित्ता हुंदा जिस तों उन्हां कहा सी कि सौ क्यों मंदा कि जित जम्मे रजान। मीन औरत नूं लड़कियां नूं माड़ा नहीं आखना चाहिए क्योंकि राजिआं नूं जन्म देंदी है, लेकिन असीं जिहड़े उन्हां दे अगां अगे वारस हाँ असीं इस चीज़ से पहरा नहीं दिता तो कितना कित जा के बहुत वड्डी घाट आई, साडे लिंग अनुपात दे विच बहुत वड्डी घाट आई। इस करके अज जदों जिहड़ियां बच्चियां बहुत वड्डी अचीवमेंट ते बड़ी सफलता दी पौड़ियां चढ़ जांदियां ने, वह साडे समाज लई इक सेध हुंदियां ने, प्रेरणा स्रोत हुंदियां ने। अज साडी बेटी ने जां जिहड़ियां हाकी दे विच अज जिन्हां ने मैच जितया वह साडे समाज लई बड़ी वड्डी प्रेरणा स्रोत है कि इन्हां नूं कुख च ना मारो, जन्म लैण दिओ, इस धरती ते आउण दिओ, चंगी एजुकेट करके चंगी सिक्ख्या दे के इन्हां नूं छड्ड दिओ, देखो किस तरह समाज 'च उडारियां मारदियां, ते नाले साडा अनुपात बनिया रहेगा ते साडे समाज दा इक संतुलित बनिया रहेगा। मैं फिर इस समाज नूं बेनती करदा, एक मैसेज करदा तुहाडे चैनल दे जरिए, आओ धीआं नूं जन्म देण दईए, उन्हां नूं खुल्लियां उडारियां मारन दईए, देखिया जे किस तरह तुहाडियां खुशियां ओह झोलियां नाल भर देंदियां ने। ये जरूर साडा मैसेज जिहड़ा साडे लोक प्रवान करनगे इन्हां बेटियां दे जरिए जो अज ओलंपिक दे विच खेड रहीआं ते चंगी परफॉर्मेंस दे रहीआं ने। सानू उम्मीदा ही हैं, बहुत बेटी तो उम्मीदा जी, सारे देश वासियों उम्मीदा, अज सारे इंडिया भारत देश की बेटी आ और सानू माण आ कि बेटी जो आपका बेस्ट थ्रो ला के देश वास्ते मैडल लेके आपका और साड़ी सारी फैमिली का और साड़े देश का पूरे वर्ल्ड दे विच नाम रोशन करेगी। जिहड़ी पहुँचन की गल है जी, ये तो परमात्मा दे वसन का अपने वसन का मेहनत करनी है। असी पहले ला तो बेटी ने दस्या कि तू मेह भी तुम मेहनत करनी है, उनका जिहड़ा फल है वह परमात्मा ने देना है, ठीक है जी। तो जी मेहनत की बेटी ने अनथक मेहनत की है, जी गेम नाल इन्ना अथाह प्यार आ, उन्होंने रब वांगू पूजती आपकी गेम नू, ते उन्हें चार घंटे सुबह तीन घंटे शाम नू लगातार प्रैक्टिस करनी करनी है, चाहे मीह जाए नेरी जाए, चाहे कोच थोड़ा ढिलमस करे, उन्हें कोच नू नाल लैके भावें थोड़ा बुखार भी आ शरीर नहीं ठीक, लेकिन उन्हें आपकी प्रैक्टिस नहीं छड्डनी। आ जदों लॉकडाउन लगा पिछले साल, उन्हें बहुत कोशिश की SSP नू फोन करके, DSP नू फोन करके, मिनिस्टरां नू फोन करके कि सानू इहदा जिहड़ा स्पोर्ट्स दा भी सानू इत्थे भी कर लैंदे हो प्रैक्टिस, लेकिन वो थोड़े भी गाइडलाइन ज़्यादियां सीगियां भी वो नहीं सी खोल सकते, तो उन्होंने कुछ समा नहीं खोलिया, मुड़ के फिर इहनू फोन करके उन्हें खोल के कहता सी तुसीं आण के कल्ले इत्थे कर सकदे हो प्रैक्टिस। बाकी हुण जदों दा उहदा ओलंपिक क्वालीफाई किया उन्हें, उदों दा NIS कैंप दे विच उन्हें रह के सीनियर कोच जिहड़े अपने इंडिया दे
और राखी त्यागी जी मैडम जिहड़े सदा दे इक उहदे सिस्टर वांगू नाल मतलब कि रह के माँ प्यो वांगू रह के उहदा नाल हरेक तरह का उहदा पक्ष देख रहे ने, उहनूं कोचिंग दे रहे ने। उहनां ने लगातार रह के उत्थे कोचिंग की 4 महीने। उहदा बैस्ट थ्रू आ जिहड़ा 67-68 मीटर भी लग जांदा है, जे उहनें बैस्ट थ्रू आ उहदा ला लिया तो पूरे देश का माण मतलब कि वधेगा, वह गोल्ड मैडल लैके आएगी। बाकी तो वह अकाल पुरख के वस है।